हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। एक अहम खबर की तरफ जरा नजर रख लेते हैं, बड़ी खबर पर एक नजर दिल्ली से आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के बयान से जुड़ी हुई ये खबर। शाम 6 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। आज बैठक है, शाम 6 बजे का समय बताया जा रहा है, जिसमें दावेदारों के हिसाब से हर सीट पर पैनल तैयार किया गया है। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले ही हरियाणा से सांसद होंगे। तो अशोक तंवर ने बीजेपी पर भी इस दौरान निशाना साधा। बीजेपी के चुनाव प्रचार की हालत खराब है और बीजेपी भाईचारा खत्म करने की मानसिकता के साथ काम करती है। तो बैठक है आज और उसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। क्या कुछ इस दौरान अशोक तंवर कहते हुए नजर आए, जितेंद्र चौधरी से जान लेते हैं जरा। जितेंद्र, 6 बजे का समय बताया जा रहा है अब बैठक का। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम बैठक होनी है और इस बैठक में मुख्यतः बात की जाए तो हरियाणा के जो प्रत्याशी हैं उनका जो पैनल स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से भेजा गया है उस पैनल पर चर्चा की जाएगी और इसमें अंतिम मोहर लगाते हुए आज देर शाम तक ये उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों की जो सूची है हरियाणा की वो सामने आ सकती है। इसको लेकर के लगातार जो प्रत्याशी भी है वो दिल्ली में अपने अपने जो कहा जा सकता है कि जो वरिष्ठ नेता है उनके पास लॉबिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं और ये माहौल दिल्ली के अंदर बना हुआ है। आज शाम ये माना जा कांग्रेस की तरफ से एक सूची हरियाणा के प्रत्याशियों को लेकर के जारी की जा सकती है केंद्रीय कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद। चलिए शुक्रिया, शाम तक अपडेट अगर आती है तो जितेंद्र आएंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। तो 6 बजे बैठक और कहा जा रहा है कि आज ही लिस्ट आ सकती है क्योंकि फाइनलाइज ऑलमोस्ट हो चुकी है, सिर्फ आना बाकी रह गया है। 6 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, अशोक तंवर ने ये स्पष्ट किया है अभी अभी। इसके अलावा दावेदारों के हिसाब से हर सीट पर पैनल तैयार। तो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले ही हरियाणा से सांसद होंगे।